नमस्कार भाग्यफल में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ गगन और आज हम बात करेंगे कि अक्सर घर में पड़ा बेकार और बिना इस्तेमाल किए जाने वाला सामान हम अक्सर घर की छत पर पटक देते हैं, जिसकी वजह से छत पर काफ़ी कबाड़ा इकट्ठा हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छत पर इकट्ठा होने वाला ये कबाड़ जिस वजह से आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इस कबाड़ की वजह से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में प्रवेश नहीं करती। तो आइए इसी के बारे में हम ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौर जी। पंडित जी स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। जी तो कबाड़ छत के ऊपर ना रखा जाए, इस विषय पर बात करेंगे कि इसके कैसे धन हानि होने के संकेत मिलते हैं। लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक जानकारी दे देते हैं कि आप पंडित जी से सीधी बात कर सकते हैं। आपका कोई सवाल हो, आप कोई उपाय जानना चाहते हो, तो दोनों ही नंबरों में से आप किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पंडित जी से बात कर सकते हैं। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। बस इतना ज़रूर कीजिएगा कि जब तक आप सवाल पूछ रहे हो तब तक टीवी का वॉल्यूम आप डाउन रखिए या बंद रखिएगा, तो हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। तो पंडित जी हम जानते हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे घर होते हैं, घर की छतों के ऊपर कबाड़ रख दिया जाता है, क्योंकि घर में जो बेकार सामान होता है तो सोचते हैं कि घर से उसको निकाल दो, लेकिन छत के ऊपर रख देते हैं, तो कितना ज़्यादा नुकसान इससे हो सकता है? देखिए, कबाड़ की वजह से माँ लक्ष्मी नाराज होती है, इसीलिए हम कबाड़ को छत पर नहीं रखें। क्योंकि अक्सर घरों में पड़े बेकार या बिना इस्तेमाल आने वाले सामान को अधिकतर लोग छत पर पटक देते हैं और जिसकी वजह से छत पर काफी कबाड़ इकट्ठा हो जाता है। लेकिन कभी यह सोचा है कि इस इकट्ठा होने वाले कबाड़ की वजह से या इसका क्या असर आपके ऊपर आ सकता है? अब वो असर होता है आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी को नाराज नहीं किया जाए, इसके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि छत पर गलती से भी ना रखें अपना कबाड़ का सामान। जी वास्तु टिप्स के अनुसार घर में सफाई करने के बाद वहां से निकलने वाले बेकार सामान को तुरंत फेंक देना चाहिए। कबाड़े को छत पर इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, इससे घर में नकारात्मकता का वास होता है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती है। जी। घर की छत पर ये कभी भी बेकार के लोग पेड़ पौधे रख देते हैं, मिट्टी धूल के इकट्ठा कट्टे भरे हुए रख देते हैं, कई बार हवन आदि कराना होता है तो ईंटें रख देते हैं। कोशिश करें कि समय समय पर छत की सफाई के साथ इन्हें हटाते रहें ताकि गंदगी नजर ना आए। जी। घर की छत पर झाड़ू, जंग लगा हुआ लोहा या बेकार लकड़ी के टुकड़े रखने से बचना चाहिए। इन सब चीजों को छत पर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है, इसकी वजह से आर्थिक संकट झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन आप देखिए गगन जी, अक्सर लोग छत पर कपड़े सुखाने के लिए रस्सी बांधते हैं और उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि रस्सी बांधने के बाद छत पर कभी भी रस्सी का बंडल ना छोड़े, क्योंकि वास्तु के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। जी। घर में अखबार मैगजीन आते हैं और हम उन्हें पढ़ने के बाद उन्हें छत पर पटक देते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार छत पर पुराने अखबार का ढेर लगना या माँ लक्ष्मी के साथ सरस्वती भी नाराज हो जाती है, इसलिए छत जो है एक हमारा अपना कहते हैं कि मान है, सम्मान है, रखना चाहिए। हाँ, ये दे बात सही कही है गगन जी, एक शाहरी ने कहा है, कभी छत को घमंड था कि मैं सबसे ऊपर हूँ, लेकिन उसके ऊपर एक छत और हो जाती है तो उसका वो ही बन जाती है, छत ही उपहर्ष बन जाती है। और जब वो ऐसा मानती है मैं सबसे ऊपर हूँ और उसके ऊपर आप कचरा रखें तो फिर तो बिल्कुल ही वास्तु के अनुसार कहाँ ठीक होगा, सिर पर कचरा नहीं होता ना। ये सामान्य बात में भी देखा जाए तो इस तरह से देखा जाता है, इसलिए मैं यही कि छत पर गलती से भी अपना कबाड़ का सामान ना रखें और कबाड़ के को बल्कि एक समय पर निकालते रहें। वास्तु कहता है कि घर में सभी साफ सफाई रहनी चाहिए, तभी लक्ष्मी उत्पन्न होती है और तभी माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। जी जी जी, घर की छत पर क्या नहीं होना चाहिए ये आपने बताया, लेकिन क्या होना चाहिए कि कुबेर जो है
धन के भंडार खोल दे, ऐसा क्या रखा जाए? हाँ देखिए, छत पर आप तुलसी का गमला लगा सकते हैं, आप अपनी छत पर संध्या के समय दीपक जला सकते हैं, संध्या के समय वहाँ सफाई रखते हुए हरे पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं। ईशान कोण में वहाँ भी भारी ना करें, साउथ वेस्ट में पेड़ पौधे लगाएं तो बहुत ठीक रहता है जी। इस प्रकार से जो है कबाड़ तो कम से कम बिल्कुल नहीं रखना चाहिए जी। जी तो हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ने शुरू हो चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ मैम, आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे कोई लगेगी कि नहीं लगेगी जी सरकारी जॉब? नहीं मैं समझ नहीं पाई। पंडित जी आप समझ पाए क्या कहा? इनका कहना है कि मेरी जॉब सरकारी लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन आपसे बेटी ये निवेदन है कि सबसे पहले आप आराम से बोलें, आपका नाम बताएं, आपका जन्म दिनांक, शहर, और फिर उसके बाद समय बताएं तो आगे बढ़े। मेरा नाम कृष्णा है और मेरी जन्म तिथि 1913 17 जुलाई। अब पहले 17 जुलाई बोलना चाहिए, उसके बाद में आपने 1993 पहले बोल दिया। नौकरी की बात कर रही है बेटा, बहुत समझदार रहना पड़ता है ना। बहुत चीजों को जब नौकरी में जब जाओगे तो वहां तो ऐसे बोलोगे तो फिर कैसे पार चलेगा। तो अभी से, आज से ही, अभी से आप फलादेश करने से पहले ही से अनुशासन बना लो कि डिसिप्लिन के साथ शब्दों को रखना है। शब्द का बड़ा महत्व होता है बेटी। समय बताइए और शहर बताइए। समय सुबह का है और जन्म दिनांक का है। अब बेटी फिर वही बात बोला, कितने बजे का है? मैम ये पता नहीं कितने बजे का है, सुबह का है। और भीनवाल कहाँ है बेटा? भीनवाल का जिला जालो। जी बेटी, अब आपको सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी ये बात प्रश्न है। देखिए बेटी, आपने मिथुन लगन में जन्म लिया है, आपको बृहस्पति की महादशा वर्तमान में चल रही है, केतु का अंतर है और शुक्र का प्रतिनिधित्व है, तो आपको सरकारी नौकरी लगने का संभवतः है आपकी जन्म पत्री से निश्चित हो रहा है कि सरकारी नौकरी लगेगी। और आपको विद्या, भूमि, भान सभी का परिपूर्ण लाभ मिलेगा। आपके सस योग बन रहा है आपकी जन्म पत्री में, तो ये सस राजयोग जो है आपको सरकारी नौकरी अवश्य लगाएगा। लेकिन आप जल्दी ना करें, आप धैर्य से बोलें और बहुत बात को जमा के और सामने वाला समझे ऐसा बोलें। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। नेक्स्ट कॉलर से भी जुड़ेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते जी। मैम जी नमस्ते, बताए। मैं अनिल कुमार के बारे में पूछ रही हूँ। अनिल कुमार क्या लगते हैं आपके? मेरा बेटा है। बेटा है, बेटे का नाम बता दीजिए। अनिल कुमार, 2 दिसंबर 95। ठीक है। माउंडा जन्म है, नीम का था, नहीं माउंडा सीकर जिला से। समय समय और शहर बताओ। समय सुबह 7:30 बजे। ठीक है जी। और नीम का थाना हो गया, और क्या जानना चाहते हैं? एक रिश्ते की पूछ रही थी पंडित जी, सगाई भी नहीं हो रही, मैं ये सर्विस भी नहीं लग रहा। देखिए अनिल के लिए जो आप पूछना चाहती हैं, अनिल 2+1 3 बहन भाई होते हैं, और आपको बता दें कि कन्या लग्न में जन्म हुआ है, मंगल की महादशा है और बृहस्पति का अंतर है और चंद्रमा का प्रतंत्र है। इनका रिश्ता अवश्य होगा और रिश्ता होने का समय चल रहा है। वर्तमान में कहीं बात चल रही होगी, लेकिन बात चल चलते रुकी होगी वापस। अभी 22 अक्टूबर के बाद इनकी स्थिति पुनः विवाह होने की बनती है। मंगल अष्टम और तृतीय भाव का मालिक हो रहा है, और कन्या लगन के लिए मंगल का क्रियात्मक स्वभाव थोड़ा ठीक नहीं होता, इसे मंगलवार के दिन काले कुत्ते को इनके हाथ से रोटी देने के लिए कहें और मंगलवार को काले सांड को भी गुड़ देने के लिए कहें। ऐसा करिए, अवश्य इनकी शादी इसी साल तय होनी चाहिए। बहुत मंगल शुभकामनाएं जी। नेक्स्ट कॉलर से भी जुड़ेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं क्या जानना चाहते हैं? मुझे मेरे बच्चे के बारे में जानना है जी। तो डेट ऑफ बर्थ नाम बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, समय और जगह। उसका नाम वानिका है, 4 मई 2022 को रात को 1:25 पर जन्म जी। 4 मई 2022। अच्छा 2022, ठीक है जी। 2022। हाँ बुधवार हो गया। आप समय बताइए, शहर बताइए। रात को 1:25। अब क्या जानना चाहते हैं आप इनके लिए?
उसका वो मांगलिक के बारे में, मांगलिक इतनी है क्या है उसके भविष्य के बारे में, वो मांगलिक राजस्थान जन्म स्थान मांगलिक नहीं है, मांगलिक नहीं है, बच्ची बहुत भाग्यशाली है और बहुत ही समझदार बच्ची रहेगी और बाहर जाकर के पढ़ाई करेगी, बहुत इंटेलिजेंट रहेगी और इसके एक भाई और एक बहन रहेगा और बहुत अच्छी इंटेलिजेंट बच्ची है। जैसे बच्ची थोड़ा जल से दूर रखना और अग्नि और जल से थोड़ा सावधानी बरतना, बाकी बच्ची बहुत अच्छी है 7 साल तक, उसके बाद तो कोई तकलीफ ही नहीं है जी। बहुत मंगल शुभकामनाएं आपको जी। नेक्स्ट कॉलर से भी जुड़ेंगे। नमस्कार जी। हेलो जी, नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार। हेलो जी, बताए बताए क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी, सुन पा रहे हैं हम आपको, क्या जानना चाहते हैं? मैं हेमलता बोल रही हूँ, कोटा से, कोटा राजस्थान जी। जानना क्या चाहते हैं? पति के, हाँ मैं अपने पति के बारे में, भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। नाम बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, समय और जगह। उनका उनका नाम मनीष कुमार रावल जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 13/10/1986। ठीक है, 13 या फिर 14 दोनों में से। मैम ये हमारे जन्मपत्री बनवाई थी हमने, तो ये रात का समय था इनका, ये हुए थे 2:03 पे। अच्छा ठीक है, और तो उन्होंने 13 और 14 बताई है मैम, तो अब आप ये पंडित जी से पूछिए आप। ठीक है, वो पंडित जी देख लेंगे, आप जगह बता दीजिए। जगह बताइए, एक्चुअली टीवी का वॉल्यूम रहता है तो डिले हो जाता है। अच्छा, कोटा से बोल रहे हैं? 12 से बोल रहे हैं। हाँ, और उनका जन्म स्थान है कोटा राजस्थान। ठीक, देखिए बेटा, मनीष के बारे में जो आप जानना चाहती हैं, मनीष सबसे पहले दो भाई होते हैं, ये बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही विवेकशाली व्यक्तित्व होता है। इनको आवास की सुख भी बहुत मिलेगा और साथ में सबसे अच्छी बात है कि मनीष की जो हम देख पा रहे हैं, ये व्यक्ति सरकारी नौकरी के साथ पूरे परिवार को साथ लेकर चलेगा, बहुत ही स्वस्थ और प्रसन्न रहेगा, हल्का सा क्रोध पर नियंत्रण रखें, तो ये बहुत अच्छा लड़का है। इनको बहुत मंगल शुभकामनाएं है जी। नेक्स्ट वाले से भी जुड़ेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, बताएं। हेलो, अजय बोल रहा हूँ। जी जी, बताएं सर, क्या जानना चाहते हैं? मेरे भैया काम धंधे के बारे में जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप फिर डिटेल बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। हाँ, जन्म डेट 18 जनवरी 1979 जी। समय? समय 10:20 शाम के। ठीक है, और जगह कौन सी? जन्म स्थान पीड़ी बुआ जी। तो क्या दिक्कत है ये आप बताएं, काम में क्या दिक्कत आ रही है? हाँ जी, काम में दिक्कत है, कारोबार में दिक्कत? हाँ जी, हाँ जी, काम में दिक्कत है, कोई काम जमता नहीं है। देखिए अजय जी, आपकी जन्म पत्री कन्या लगन की जन्म पत्री होती है, आपको बृहस्पति की महादशा और गज के श्री योग भाग्य इसमें बना हुआ है, और महाराज आपका चंद्रमा भी उच्च का बैठा हुआ है, और वो भी एक भाग्यवश उच्च का बृहस्पति के साथ बैठा है। और आपको बता दें कि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है, गज केसरी योग में, गज केसरी राजयोग कहते हैं, इसमें व्यक्ति जन्म हुआ बहुत प्रभावी होता है, बहुत दमदार व्यक्ति होता है और सभी से सम्मान और इज्जत शौहरत प्राप्त करने वाला होता है। आपका ये समय अभी थोड़ा सा 29 नवंबर 2022 तक कमजोर है, इसके बाद सब एकदम शानदार रहेगा। आप तो कृपालु गुरुवार के दिन अपने गुरु का या माता पिता का या फिर कहें कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, और यदि ये सब संभव नहीं है तो गुरुवार के दिन राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर के वहाँ मंदिर में थोड़ी सेवा दें, ये आप नियम बना लीजिए, आपको बहुत लाभ होगा, जबरदस्त लाभ होगा जी। नेक्स्ट कॉलेज से जुड़ेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, बताएं जी। मुझे मेरे लिए और मेरे भाई के लिए, दोनों के लिए पूछना है। पंडित जी, पहले पहले किसके बारे में जाने, दो लोगों के बारे में पूछना है। पहले इनका बताएं नाम, खुद का नाम। पहले मुझे मेरे भाई के लिए पूछना है, उसका नाम प्रदीप सिंह है जी।
उसकी जन्म तारीख है 31 मई 2001, रात को 10 बजे उसको जन्म हुआ है। राजस्थान से हम, ठीक है, राजस्थान से कहाँ से हैं आप? राजस्थान में नागौर से हैं। समय क्या बताया? समय 10 बजे रात को, ठीक है, नागौर। क्या जानना चाहती है बेटी? इसके फ्यूचर के बारे में पूछना है कि इसकी गवर्नमेंट जॉब का है या नहीं है, और ये घर भी खरीदना चाहता है खुद के घर। देखिए प्रदीप के लिए आप जो जानना चाहती हैं, आपने हमको दिया है 31 मई 2001 जन्म दिया है, राहु की महादशा और गुरु का अंतर और शुक्र का प्रतंत्र है। प्रदीप एक भाई और एक बहन, दो तीन बहन भाइयों का संयोग बनता है। और बता दें कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन ये बात सही है कि क्रोधी बहुत है। मंगल इनका लग्न में बैठा हुआ है, मंगल अति बलि ग्रह बन रहा है, और मंगल के नैसर्गिक पाप ग्रह होने के कारण इनको विकास की वृद्धि में जो तरक्की होनी चाहिए उसमें थोड़ी सी संघर्ष करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घबरा रहे हैं, घबराए, मैं इसको आपको डराने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये समझा रहा हूं कैसा होगा। लेकिन इसका इलाज यह है कि एक तो मंगलवार का व्रत करें तो बहुत अच्छा रहेगा, ना करें तो मंगलवार के दिन गाय को रोटी देना शुरू करें, और गाय को प्रतिदिन यदि रोटी देते हैं तो और भी अच्छा है, सूर्य भगवान को गुड़ डाल करके जल चढ़ाएं, और ये नियम बना ले, क्रम बना ले कि गुड़ मिश्रण करके सूर्य को जल चढ़ाना है जी। इनको बहुत लाभ होगा, बहुत मंगल शुभकामनाएं जी। जी तो गुरु जी, जानना तो उन्होंने अपने बारे में भी था, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, इतना राशिफल का वक्त हो चला है। कौन सी राशि क्या कहती है जी? आइए सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि वाले लोग। हम सभी को बताना चाहेंगे कि किन राशियों के लिए नौकरी व्यापार में लाभदायी रहेगा दिन, ये आपका कैसा रहेगा, और इसी को लेकर बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। आज मेष राशि के व्यक्ति पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, व्यवसाय बहुत ठीक चलेगा, लेकिन झंझटों में ना पड़े, उधार दिया हुआ धन मिलने से राहत हो सकती है। वहीं जीवन साथी का सहयोग उलझे मामले सुलझाने में सहायक हो सके। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, और कोर्ट कचहरी में अनुकूलता रहेगी। आज का कल्याणकारी उपाय मंत्र रहेगा ओम राम रावे नमः, इसका आप जप करें। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि वाले। अपने काम से काम रखें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना, आवास संबंधी समस्या आज होगी, आलस्य न करें, सोचे काम पर नहीं हो पाए, जो सोचे हुए काम है वो नहीं हो पाएंगे, चोट चोरी और विवाद से हानि संभव होती है। वहीं जोखिम व जमानत के कार्यों को टालें, आज संगति से हानि होने का संयुक्त। आज का कल्याणकारी मंत्र आपके लिए रहेगा ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। और बात करते हैं मिथुन राशि वाले, आज मिथुन राशि वाले लोगों को परिवार की समस्या का समाधान हो सकेगा, व्यापार में नई योजनाएं बनेंगी, व्यापार अच्छा चलेगा, राजकीय बाधा दूर होकर के लाभ होगा, प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। आज आप क्रोध पर नियंत्रण रखें, लाभ होगा, रुके काम समय पर पूरे होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज का कल्याणकारी मंत्र आपके लिए रहेगा ओम अम अंगाराय नमः, ओम अम अंगाराय नमः, ओम अंगारा। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले लोग। आज निवेश में नौकरी के से लाभ मिलेगा, व्यापार अच्छा चलेगा, कार्य के विस्तार की योजना बनेगी, रोजगार में उन्नति और लाभ की संभावना है, भूमि व भवन संबंधित कार्य आज आपको लाभ देंगे, रोजगार अवश्य मिलेगा, शत्रु को भय रहेगा आपसे, पठित पाठक में लाभदायक समाचार आज आपको प्राप्त होंगे। आज का कल्याणकारी मंत्र आपके लिए रहेगा ओम के नमः,
और बात करते हैं सिंह राशि वाले। व्यवसाय आज ठीक चलेगा, रचनात्मक कार्य आज आपके सफल रहेंगे, पार्टी में पिकनिक का आनंद आज आपको, विवाद न करें, सामाजिक एवं राजकीय ख्याति में अभिवृद्धि संभव है, आर्थिक अनुकूलता रहेगी, रुका हुआ धन मिलने से धन संग्रह होगा, राजपक्षे लाभ के योग बन रहे हैं, आज का कल्याणकारी मंत्र रहेगा ओम बुम बुद्धाय नमः। तो बात करते हैं कन्या राशि वाले। आज का भविष्य संतान के व्यवहार से कष्ट होगा, सहयोगी मदद नहीं करेंगे, उत्तेजना पर नियंत्रण रखें, शत्रु सक्रिय रहेंगे, शोक समाचार कहीं से मिल सकता है, थकान महसूस होगी, व्यावसायिक चिंता आज आपको रहेगी, आज खर्चों में कटौती करने का प्रयास करें, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, आज कल्याणकारी उपाय रहेगा ओम चम चंद्रे चंद्रमसे। अब बात करते हैं तुला राशि वाले। कार्य सिद्धि से आज प्रसन्नता रहेगी, व्यवसाय ठीक चलेगा, प्रतिष्ठा में आज वृद्धि संभव है, आज आपके परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा, व्यापार के कार्यों से बाहर रोमांस में समय बीतेगा, मेहनत का फल आज आपको अवश्य मिलेगा, कार्य पद्धति में विश्वसनीयता बनाए रखें, तनावजन होगा, आज का कल्याणकारी उपाय मंत्र रहेगा ओम अंग अंगाराय नमः। पर बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोग। आज स्वाभिमान बना रहेगा, नई योजनाओं की शुरुआत होगी, आपकी संतान की प्रगति संभव है, भूमि संपत्ति संबंधी कार्य आज होंगे, अतिथियों का आवागमन रहेगा, साहवर्धक सूचना आज आपको मिले, पूर्व कर्म फलभूत होंगे, परिवार में सुखद वातावरण रहेगा, व्यापार इच्छित लाभ संभव होता है, आज का कल्याणकारी उपाय और मंत्र रहेगा ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। और बात करते हैं धनु राशि वाले। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बहन पर उपहार की प्राप्ति होगी, जो कि माले क्रोध एवं उत्तेजना पर संयम रखें, सब कार्य में रुचि बढ़ेगी, आज प्रियजनों का पूर्ण सहयोग, बेरोजगारी दूर होगी, व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी, व्यावसायिक चिंताएं दूर होगी, आज का कल्याण उपाय मंत्र रहेगा ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। आइए बात कर रहे हैं मकर राशि। कीमती वस्तु इस्तेमाल करके रखें, धैर्य संयम बनाए रखें, खर्चे में वृद्धि होगी, तनाव रहेगा, अपरिचितों पर विश्वास ना करें, प्रवास में आलस में विलंब नहीं करना चाहिए, विरोधी परास्त होंगे, यात्रा आज का कल्याणकारी उपाय नमः। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोग। आज रुका हुआ धन आपको मिलेगा, प्रसन्नता रहेगी, जल्दीबाजी ना करें, प्रियोजनों से पूरी मदद मिलेगी, धन प्राप्ति के योग हैं, दिन प्रेम भरा गुजरेगा, व्यवसायिक यात्रा सफल रहेगी, श्रम के सामर्थ्य से भी भाग्योन्नति के अवसर आएंगे, संतान के कार्यों में उन्नति के योग हैं, आज का कल्याणकारी उपाय मंत्र है ओम ओम बुद्धाय नमः, ओम ओम बुद्धाय नमः। अब बात करते हैं मीन राशि वाले। आज मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, व्यवसाय ठीक रहेगा, नई योजना बनेगी, कार्य प्रणाली में सुधार होगा, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें, कार्य क्षमता एवं कार्य कुशलता बढ़ेगी, कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण व उत्साह रखें,
व्यापार में नई योजनाओं से लाभ होगा। आज का कल्याणकारी उपाय मंत्र रहेगा ओम। यह है आज का हमारा अपना राशिफल जी। तो भविष्य शुक्रिया पंडित जी हमारे से जुड़ने के लिए। शुभ प्रभात सभी को, शुभ आशीष। तो भाग्यफल में आज फिलहाल इतना ही।